मैं सत्यनारायण सिंह अपने यूट्यूब चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम वर्तनी सीरीज वर्तनी श्रृंखला में बात करेंगे संयुक्ताक्षर की, और संयुक्ताक्षर में सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे रा के विभिन्न रूप की। तो ये वीडियो आपकी वर्तनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल भाषा के विद्यार्थी के रूप में, बल्कि अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। संयुक्ताक्षर का निर्माण, जहां पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो, वहां संयुक्ताक्षर का निर्माण होता है। यानी दो व्यंजन हो या दो से अधिक व्यंजन हो और स्वर रहित हो। व्यंजन स्वर रहित क्या होते हैं? जब उसमें आ नहीं होता है। जैसे अगर हम का कहें तो का में स्वर आ नहीं था, और अगर का के नीचे अहलंत लगा दें तो इसका मतलब है कि का स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो देखिए किस तरह से बनाया जाता है कि जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, जिन व्यंजनों के अंत में क्या होता है, खड़ी पाई होती है, उनका संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाता है। यदि कोई व्यंजन है जिसमें खड़ी पाई है, जैसे खा है, जैसे गा है, जैसे घा है ना, तो जब इनका प्रयोग अर्धाक्षर के रूप में होता है, आधे अक्षर के रूप में होता है, स्वर रहित होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्वर रहित लिखने के लिए हम क्या करेंगे, खड़ी पाई हटा देंगे। ख, ये ग और ये घा, ये देखिए खड़ी पाई हम क्या कर देते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। तो ये इनका क्या हुआ, अर्धाक्षर का रूप हो गया, स्वर रहित रूप हुआ। जैसे ख्याति, देख रहे हैं ना, ख्याति, तो यहाँ में खा में हमने क्या है, जो खड़ी पाई हटा दी है, ख्याति, लग्न ना, गा में खड़ी पाई हटा दिया है, विघ्न, विघ्न में खड़ी पाई हटा दिया है, कच्चा, चा में जो है खड़ी पाई हटा दिया है, ज्वाला, यहाँ पे देख रहे हैं जा में खड़ी पाई हटा दिया है, पुण्य, अड़ा में खड़ी पाई हटा दिया है, कुत्ता, आधा ता और फिर पूरा ता, तो पहले वाले ता में हमने खड़ी पाई हटा दिया है, ठीक है। जैसे ता ऐसा होता है, अब आप खड़ी पाई हटा देंगे तो ता क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वही है, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, जब दो ता होता है तो इसके आगे क्या लिखते हैं, ता, और दूसरा ता क्या लिखते हैं, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो ये आधा ता हो गया। कुत्ता, पथ्य, ठीक है, इसी तरह से देखिए आधा था है, ध्यान, जन्म, प्यार, कब्ज, सभ्य, आधा भा, निम्न, सैया, आधा या, देख रहे हैं ना, उल्लेख, आधा ला, व्यास, आधा वा, पश्चात ना, आधा शा, कष्ट, षटकोण वाला शा, आधा आधा शा, हम आपको आगे बताएंगे स ख सा में अंतर, स्वीकृति ना, यहाँ पे देखिए आधा सा। तो कहने का मतलब है कि जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होगी, जब हम इनका संयुक्त रूप बनाएंगे तो आधे अक्षर के लिए प्रयोग करते समय इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती है, खड़ी पाई होती है तो खड़ी पाई हटा दिया आधे अक्षर के लिए, जहाँ पे खड़ी पाई नहीं होती है उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तब उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। खड़ी पाई होगी तो खड़ी पाई हटा देंगे, और खड़ी पाई नहीं होगी तो क्या करेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे, जैसे ये ना, तो हम इसके नीचे हलंत लगाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे ये व्यंजन कौन कौन से हैं, अंग, काका का अंग वाला अंग, टा, ठा, डा, ढा, दा, हा, इन सब में खड़ी पाई नहीं है, तो अब हम जब इसका हलंत प्रयोग करेंगे, यानी अर्धाक्षर प्रयोग करेंगे या स्वर रहित अक्षर प्रयोग करेंगे, व्यंजन प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे सब में। जैसे देखिए पहला वांग्मय, वांग्मय, देखिए हमने आधा अक्षर लिया तो हमने क्या किया, इसके नीचे हलंत लगा दिया, वांग्मय। उच्छ्वास,
ना, ये डंडी खड़ी पाई वाला था चा, तो हमने खड़ी पाई हटा लिया था, लेकिन छा खड़ी पाई वाली नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, हलंत लगा दिया, उच्छ्वास। इसी तरह नाट्य ना, हलंत लगा दिया। ओष्ठ, ये खड़ी पाई वाला था षटकोण, तो हमने क्या किया यहाँ पे, खड़ी पाई हटा दिया, लेकिन ठा में क्या किया, हमने हलंत लगा दिया। गड्ढा, उद्भव, देख रहे हैं ना। और चिन्ह, ये बहुत महत्वपूर्ण है चिन्ह, आप जो है आप समझते हैं कि जो है हा पूरा है ना आधा है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो बाद वाला वर्ण होता है वो पूरा होता है। जैसे चिन्ह क्या होता है, हा आधा है ये और ये ना पूरा है, तो इसको जब हम लिखते हैं संयुक्त रूप में तो हम क्या लिखते हैं, हा बनाएंगे ना, ये हा, लेकिन ये यहीं तक रहेगा, ये है ना, ये पूरा ना होता है, और हा क्या होता है, आधा होता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए। पढ़ा जाता है चिन्ह, चिन्ह आधा, हा पहले आता है, हा का साउंड पहले आता है, ना बाद में, लेकिन हम गलती में क्या बोलते हैं, चिन्ह ना पहले बोल देते हैं, हा बाद में, ठीक है। तो चिन्ह है, ठीक है, हा पहले होगा ना बाद में होगा, ये देख लीजिएगा। तीसरा देखेंगे कि आपने देखा कि अगर खड़ी पाई है तो हम इसको संयुक्त करते समय खड़ी पाई हटा देते हैं, और अगर खड़ी पाई नहीं है तो हम नीचे हलंत लगा देते हैं, और अगर जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई होती है, जिसके बीच में होती है, तो ऐसे व्यंजन कौन कौन से हैं, का है और फा है, इसमें खड़ी पाई कहाँ होती है, बीच में होती है। तो जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई होती है उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ हम संयुक्त करते हैं, यानी इनका अर्धाक्षर प्रयोग करते हैं या स्वर रहित प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाई के जो आगे लगे हिस्से होते हैं उसको आधा काट देते हैं। तो आधा लगा हिस्सा क्या है, का दिए, तो आधा काट दिया, ये हो गया, फा का आधा काट दिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो हम इनको संयुक्त करते समय इनका आधा काट देते, जो आगे वाला हिस्सा होता है आधा काट देते, जैसे क हलंत वाला प्रयोग करते धक्का, हमने क्या आधा काट दिया, धक्का। इसी तरह से फा दफ्तर, आधा काट दिया है, ठीक है। आइए सबसे महत्वपूर्ण रा, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रा के अनेक रूप ना, तो आप देखिए, आप जानते हैं एक होता है ऊ, छोटा ऊ, और एक होता है बड़ा ऊ ना, इसकी मात्रा है ये इधर अंदर साइड, हमने पहले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ये बड़ा ऊ है ये, ठीक है। लेकिन जब रा के साथ हम प्रयोग करते हैं तो छोटा ऊ का मतलब हुआ है कि ये एक डंडी, ठीक है, पूछ, जैसे कुत्ते की पूछ बनाते हैं ऐसी डंडी, और इसका मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा का दो, बड़ा ऊ है ये हिंदी भाषा का क्या है, दो है, और ये क्या है, केवल एक कुत्ते की पूंछ जैसा, केवल एक छोटी सी डंडी है। आपको आर्ट लग रहा होगा कि अगर हम कुत्ते की पूंछ बोल रहे हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए ये है कि छोटा ऊ मतलब ऐसे रा के साथ जब होगा, और बड़ा ऊ मतलब ये दो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो रा के साथ जब ह्रस्व आ या छोटा ऊ हो, तो रा के साथ छोटा ऊ लगेगा, तो ये देखिए रू, कैसे रा बनाया और साथ में ऊ, तो रू ये छोटा ऊ। जैसे ये कैसे बना, रुद्र, रुद्र एग्जाम्पल है, रुचि, रुपए, रुमाल, सब में देख रहे हैं ना, छोटा ऊ है, रा के साथ ऊ लगेगा, तो बहुत लोग गलती करते हैं इसके साथ छोटा ऊ और इसके साथ बड़ा ऊ लगाने लगते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं लगता है, ठीक है। हम इसलिए ये सब बता पा रहे हैं क्योंकि हमने बच्चों की गलतियां देखी हैं। तो हम कैसे लिखते हैं रा के साथ, जब छोटा ऊ लिखना हो तो रा के साथ छोटा ऊ, तो हम कैसे लिखेंगे, रा यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, केवल ऐसा हल्की सी डंडी लगा दिया, घुमा दिया, कर बना दिया, आधा वृत्त मान लो, ठीक है, आधा सर्किल। और जब रा के साथ बड़ा ऊ लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, रा यहाँ पे दो जैसा बना दिया, तो रू हो गया, रू, रू, रू। रा के साथ बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ जिसको बोलते हैं, तो रा के साथ बड़ा ऊ लगेगा तो रू हो जाएगा। जैसे रूप, देख रहे हैं, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा, तो जहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, दो बना देंगे, किसके तरह, हिंदी भाषा की तरह, और छोटे ऊ के साथ हम केवल एक ऐसे अर्धवृत्त जैसा खींच देंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, रुद्र, रुचि,
रुपए रुमाल, और रूप के साथ रूप रूठना, अमरूद डमरू रूखा, ये बड़ा हो ये छोटा हो। बढ़ते हैं रा के अगले रूप की तरफ, रेफ। रेफ मतलब जिसको उड़ंकू रा भी कहते हैं, जो ऊपर ऐसे लिखता है लगता है आधे अर्धवृत्त की जैसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेफ ना, जिसको हम उड़ंकू रा भी बोलते हैं। ठीक है, इस रूप को रेफ कहा जाता है। रेफ कहते हैं हम अपनी भाषा में, जब हम पढ़ते थे तो इसे उड़ंकू रा बोलते थे, क्योंकि वह ऊपर लगता है। अब ये कब लगता है, रा स्वर रहित हो, मतलब रा के साथ जब स्वर नहीं हो और रा के बाद जब कोई अक्षर आए वो क्या हो, स्वर सहित हो। मतलब रा पहले आए और रा कैसे हो, स्वर रहित हो, मतलब उसके साथ स्वर रा जो है स्वर ना हो, और बाद वाला जो व्यंजन हो उसके साथ स्वर हो, तो रा कहाँ लगता है, उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। कौन से व्यंजन के, जो बाद वाला व्यंजन होगा उसके ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कर्म, आप देख रहे हैं ना, कर्म में क्या है, का पूरा है, उसके बाद रा आधा है, का पूरा है रा आधा है, फिर क्या है माँ, तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म। ये उड़ंकू रा, ये उड़ंकू रा के रूप में हो जाता है, कहाँ लगता है, रेफ के ऊपर हो जाता है, कहाँ लगता है, माँ के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से देखिए शीर्षक। शीर्षक में देखिए सा के साथ ई की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये रेफ वाला रा है या स्वर रहित रा है, और इसके बाद श और का है, तो रा कहाँ लगेगा, इसके बाद वाले वर्ण के ऊपर, तो बाद वाले वर्ण के ऊपर क्या है, षटकोण वाला सा है, इसके ऊपर लग रहा है। इसी तरह धर्मार्थ, इसमें दो बार जो है स्वर रहित रा आया है, ये देखिए दो बार, धा के बाद आधा रा, फिर माँ, माँ के बाद फिर आधा रा, फिर था, तो ये वाला रा माँ के ऊपर लगेगा। ठीक है, और ये वाला रा था के ऊपर लगेगा, इसलिए धर्मार्थ, धर्मार्थ। इसी तरह से पूर्वार्ध देख लीजिए, सेम यही एग्जांपल है, पू उसके साथ क्या है, यहाँ पे आधा रा आया है, फिर वा आया है बड़ा, उसके बाद आधा रा आया है स्वर रहित, फिर धा आया है, तो ये रा इस वा के ऊपर और ये रा इस धा के ऊपर, तो क्या हो गया, पूर्वार्ध। ठीक है, इसी के साथ देखिए रा के ऊपर भी रेफ लगता है, जैसे खर खर, तो खर में खा आधा रा फिर पूरा रा, तो ये जो आधा रा है ये रा के ऊपर रेफ के ऊपर लग गया, तो खर हो गया। ठीक है, इसी तरह टर टर, मेढक बोलते हैं ना, तो ट ये आधा रा और फिर क्या हो गया, ये पूरा रा, तो ये आधा रा कहाँ लगेगा, ये पूरे रा के ऊपर हो जाएगा, तो ये टर हो गया। ठीक है, और यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो, जैसे ये है तो कोई मात्रा अगर है तो रा कहाँ लगता है, रेफ वाला रा कहाँ लगता है, मात्रा के ऊपर लगता है, कहाँ लगता है, मात्रा के ऊपर, हमने कहा अगर कोई मात्रा हो तो कहाँ लगेगा, मात्रा के ऊपर, तो वर्मा है, तो देखिए वा आधा रा मा, यहाँ मात्रा है तो ये रा कहाँ लगेगा, इस आ की मात्रा के ऊपर, आ की मात्रा के ऊपर देख रहे हैं ना आप इसको, आ की मात्रा के ऊपर। इसी तरह से पार्टी देखिए, पा यहाँ आधा रा फिर टा टी, तो ये रा कहाँ लगेगा, रेफ वाला, ई की मात्रा के ऊपर, पार्टी। ठीक है, ये आपकी समझ में आया होगा। आइए रा के अन्य रूप देखते हैं। जब रा के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तब रा चार प्रकार से लिखा जाता है। इसके पहले आपने देखा कि रा स्वर रहित व्यंजन था, लेकिन अभी क्या है, रा स्वर युक्त व्यंजन होगा, रा के साथ जो दूसरा व्यंजन होगा वह स्वर रहित होगा, यानी उसमें स्वर आ निहित नहीं होगा। तो पहली स्थिति में देखते हैं कि जब पूरे पाई वाले, यानी चाहे वो अंत में पाई हो चाहे मध्य में पाई हो, यानी खड़ी पाई वाले जो भी व्यंजन हैं, सभी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित रा के साथ संयुक्त होता है, यानी जो व्यंजन है जैसे का हो या गा हो ये स्वर रहित हो, लेकिन जो रा लगे वो स्वर युक्त हो यानी पूरा हो, तब रा का रूप तिरछा होके लगता है, तो यानी उसको तिरछे रूप में रा का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रम, तो क्रम में मतलब क्या है कि जो का है वो आधा है और रा है पूरा, और ये बाद में मा तो पूरा ही है, तो क्रम, आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि इसमें का पूरा है रा आधा है, लेकिन हमेशा रखिए, ध्यान में रखिएगा कि जो भी नीचे होगा वो हमेशा पूरा होगा, नीचे पूरा, नीचे पूरा, तो यहाँ पे क्रम, तो का आधा है रा पूरा है। इसी तरह से सम्राट,
सम्राट में देखिए मा आधा है और रा पूरा है ना, तो सम्राट ब्रज, ब्रज में ब आधा है रा पूरा है। इसी प्रकार प्रकार में, प्रकार में प आधा है रा पूरा है। तो ये हो गया कि जब खड़ी पाई वाले व्यंजन हो, चाहे वो खड़ी पाई लास्ट में हो चाहे बीच में हो, तो रा को कैसे लगाते हैं, उसके साथ खड़ी पाई के साथ तिरछा करके लगा देते हैं। और जो ये पहला व्यंजन होगा ये सब क्या होगा, आधा होगा रा पूरा होगा। दूसरी स्थिति देखते हैं कि जब स्वर रहित द और ह हो, माने इसमें क्या है खड़ी पाई नहीं है तो ये, लेकिन ये स्वर रहित है मतलब द और ह हलंत वाले हैं, और जब ये स्वर युक्त रा के साथ जुड़ते हैं तब रा का रूप कैसे होता है, ये देखिए ह है ना, ये ऐसे यहाँ पे ये लग जाएगा तो ह्रास हो गया, ह आधा रा पूरा सा ह्रास, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या करते हैं, ह खींचेंगे ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो गया, इसी की तरह ठीक है। इसी तरह द्रव्य, द्रव्य में है ना द एक लाइन खींच दिया तो ये हो गया द्रव्य, आधा द रा आधा वा, या ये खड़ी पाई वाला था तो खड़ी पाई हटा दिया। इसी तरह से आधा हा रा और सा, दरिद्र, दरिद्र भी देखिए कैसे दा री और ये क्या है आधा दा और फिर रा, दरिद्र। इसी तरह से रुद्र को भी लिख सकते हैं ठीक है। अब आपके आगे देखिएगा रुद्र में, मैं ये देखिए ना रा में छोटा उ लगा है, छोटा उ ऐसा होता है, बड़ा उ ऐसा होता है, छोटा उ और दा में क्या है द, आधा दा पूरा है और रा सारी आधा दा है रा पूरा है। आगे देखिए यहां से ता के साथ जब रा का प्रयोग हो, यानी हलंत वाले ता के साथ, स्वर रहित ता के साथ रा का प्रयोग हो तब क्या होगा, ता और रा बन के त्रा होता है, ता और रा मिलके त्रा होता है, जैसे नेत्र ना, तो आधा ता और रा नेत्र, देख रहे हैं ना, त्रिकोण ना, त्रिकोण बहुत पढ़ते हैं, आधा ता रा, रा पूरा रहेगा ई की मात्रा, कोण, त्रिशूल, इसी तरह से ठीक है। अब देखिए जब सा के साथ रा का प्रयोग करते हैं, सा के साथ रा का यानी सा सलजम वाला सा, इसके साथ सा का प्रयोग कर रा का प्रयोग करेंगे तो स्रा बन जाता है ना, श्रमिक, आधा सा सलजम वाला रा मा, मापे की मात्रा का, हम आपको सा ख स इन तीनों का अंतर बताएंगे, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। अश्रु आ, आधा सा सलजम वाला रू ना, रापे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, इसी तरह से श्रवण को भी देख सकते हैं। अब देखिए कब भी क्या होता है कि दो बार ये वाला रा आ जाता है ना, देखते हैं प्रक्रिया में, आधा पा फिर आधा पूरा रा, फिर का आधा है री पूरा है, रा पूरा है ई की मात्रा है और या है, तो आप देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये रा कहाँ लगेगा, पा के आगे, और ये रा के यहाँ, ये की के आगे, का के आगे, और ई की मात्रा है तो ये मात्रा इसके साथ लग जाएगी, तो प्रक्रिया हो गया। इसी तरह से प्रक्रम में देखिए आधा पा फिर रा, फिर आधा का फिर रा और मा, तो ये हुआ प्रक्रम। इसी तरह से श्री, श्री क्या है सलजम वाला, आधा सा आ री ठीक है। इसी तरह से कुछ और देख लीजिए जो बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, आर्द्रता आ आधा रा ना, ये उड़ंकुर है ना, या रेफ वाला रा बोलते हैं आप इसको, ये कहाँ आता है, हमेशा पहले आता है तब ये ऊपर जाता है, तो ये पहले आ गया तो ये द, तो ये कहाँ लगेगा, द बाद वाले वर्ण के पीछे, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और ये क्या है रा है ना, और ये ता है ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। इसी तरह से देखिए प्रार्थना, क्या प्रार्थना देख लीजिए, प रा आधा रा था और ना, प्रार्थना पा ना, देखिए आधा पा रा पूरा है, उसके बाद ये क्या है रेफ वाला रा है, ये पहले आएगा ना रा, उसके बाद था के बाद फिर ना। इसी तरह से पुनर्प्रस्तुतिकरण, बहुत लोग गलती करते हैं, देखिए पुनर्प्रस्तुतिकरण रा ना के बाद आया है ना, आधा रा जो है ना के बाद आया है, इसीलिए इस प्रा के ऊपर लगा है, तो पुनर देख रहे हैं ना ये, और ये प्रा का मतलब है आधा पा और रा पूरा, और ये आधा सा का मतलब है हलंत वाला सा, तुतिकरण ये आप जानते हैं। दूसरा है कि जब स्वर रहित ट और ड हो और इनके साथ स्वर युक्त रा का प्रयोग हो, ट और ड के साथ, तो क्या होगा, ड और र ड्रा, ड्रामा, ट और र ट्रा, यानी कैसे लगता है कि ये देख लीजिए ठीक है। आप अगर एंगल को, एंगल ऐसे होता है, इसको थोड़ा सा आप घुमा दीजिए, कितना 90 डिग्री पे घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा ता, ता और डा पे लगता है, तो ड्रामा ड्रा
राष्ट्र, राष्ट्र देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से रा के प्रयोग थे और संयुक्ताक्षर थे। तो ये जो हिंदी वर्तनी का वीडियो है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि आपको सभी जो है वर्तनी संबंधी नियम हम बता नहीं देते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।